कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम बनाते हैं कुल्फी। आती हूँ, ये देखिए मैंने 1 किलो दूध ले रखा है। ये 1 किलो दूध है, इसको मैं बहुत गाढ़ा कर लूँगी। और ये मैंने थोड़े पिस्ता और बादाम ले रखे हैं, ये पिस्ते हैं और बादाम है। खुशबू के लिए मैं इसमें इलायची डालूँगी, खुशबू के लिए ये इलायची है। अब हम इस इलायची को बारीक इसमें पीस लेंगे और पाउडर बना लेंगे। इस तरह से मैं इसमें पीस लूँगी। देखिए अब ये पाउडर बन चुका है, मैंने इसको पीस लिया है। ये देखिए दूध में डालते समय मैं इसे छन्नी से छान लूँगी, तो इसमें जो रेशा है वो अलग हो जाएगा। हम बादाम और पिस्ते का भी पाउडर बना लेंगे। ये देखिए पाउडर बना मैंने बना लिया है। अब मैं इस चीनी को भी पीस लूँगी, बहुत बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। इस तरह का हमने चीनी को भी पीस लिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कुल्फी, बहुत मस्त बनेगी। मैं कोई केवड़ा जल नहीं, कोई गुलाब जल नहीं, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं, मैं कुल्फी में सिर्फ इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी। खुशबू के लिए मैं इलायची डालूंगी और बादाम और पिस्ता और चीनी और दूध, इसी से मैं कुल्फी बनाऊँगी। बने रहिए मेरे साथ, आइए किचन में चलते हैं। गैस को ऑन कर देते हैं, गैस ऑन कर दी है। आधा घंटा मैं दूध को हल्की आंच पे, जब दूध उबलने लगेगा उसके बाद मैं गैस को सिम कर दूंगी और दूध को गाढ़ा होने तक उबालूंगी। तो देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे करती हूँ। अब मैंने गैस को रख दिया है, दूध में उबाल आने के बाद मैं गैस को सिम कर दूंगी। इलायची को मैं छान लूंगी, इसमें इस तरह से इसको छान लूंगी कि रेशा हमारा कुल्फी में ना जाए, इसलिए मैंने ऐसे छान लिया है। बाकी ये बादाम तो बहुत बारीक पिसे हुए हैं। और अब हमारा दूध भी गाढ़ा हो चुका है, तो चलते हैं किचन में। गाढ़ा होने लग गया है, 1 किलो था ये, 1 लीटर था ये, आधा लीटर बच गया है। अब हम इसमें मिला देंगे ये जो मैंने पाउडर बनाया है बादाम और पिस्ते का, ये मिला दिया मैंने इसमें। और मैं इसमें चीनी मिला दूंगी, ये चीनी देखिए क्योंकि कुल्फी मीठी अच्छी लगती है, तो मैं इसमें सारी चीनी डाल दूंगी। खूब मीठा मीठी मीठी आइसक्रीम बन जाएगी, मीठी मीठी कुल्फी। और ये मैं थोड़ा सा इसमें ये इलायची का पाउडर डाल दूंगी, इससे हमारी कुल्फी जो है अच्छी खुशबूदार और टेस्टी बनेगी। अभी हम थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं, बस ऐसे ही हमारी कुल्फी बनके तैयार हो जाएगी। इसे हम फुल आंच में, अब मैं इसे फुल आंच करके ही यहीं पर खड़ी रह के चलाती रहूँगी और ये 15 मिनट में बढ़िया बन जाएगा, बहुत अच्छा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा आप कुल्फी के लिए बिल्कुल रेडी है दूध, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। ये दूध ठंडा हो चुका है, मैंने ये कप ले रखे हैं, ये कॉफ़ी के कप हैं, कागज़ वाले कप हैं, तो मैं अब इनमें इनको डालूंगी। इस तरह से मैं इसमें भर दूंगी इनको। ये देखिए ये जो मैंने दूध का पेस्ट बनाया है, इस तरह से मैं भर दूंगी इसमें। ये देखिए ये मैंने इसमें भर दिया है। और अब हम इसमें लगाएंगे, ये मैंने फॉइल पेपर लिया हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा मैं फॉइल पेपर काट लूँ। ये मैंने फॉइल पेपर काट लिया है, ये देखिए हर कप के लिए ऐसे मैं फॉइल पेपर को लगा दूँगी। इस तरह से मैं फॉइल पेपर लगा दूँगी ऐसे। इनमें फॉइल पेपर लगा लिया है, ये देखिए इनमें मैंने दूध भर के फॉइल पेपर लगा लिया है। और
इस तरह से मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स ले ली हुई है, ये देखिए। और अब मैं थोड़ा सा इनको चाकू से इस तरह से फॉइल पेपर को ज़रा सा ऐसे कट कर दूंगी, इस तरह से सब में मैं थोड़ा थोड़ा कट कर दूंगी इस तरह से। और ये आइसक्रीम की डंडियों को मैं इसमें डाल इस तरह से, आइसक्रीम की स्टिक को मैं इसमें इस तरह से डाल दूंगी। मैंने इन कुल्फी को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में 10 से 12 घंटे रखेंगे, वैसे 7-8 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटे रखेंगे तो हमारी ये जो कुल्फी है बहुत अच्छी जमी होगी। रख रही हूँ 8 से 10 घंटे में बहुत अच्छी जम जाएगी ये, और निकाल के आप खा सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत टेस्टी कुल्फी बनती है, तो इस तरह से बना हुआ है। अब हमारे 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, तो अब हम फ्रीज़र को ऑन करते हैं। ये मैंने फ्रीज़र को ऑन कर दिया और हमारी ये कुल्फी यहाँ जमी हुई है। ये देखिए कुल्फी हमारी ये बिल्कुल जमी हुई है। अब मैं इनको निकाल के आपको दिखाऊंगी इस तरह से। तो अब मैंने जो कुल्फी बनाई थी वो अच्छी तरह से जम चुकी है। इस तरह से मैं फ्रीज़र से इसको निकाल के ले आई हूँ, ये देखिए इस तरह से ये जमी हुई है। अब हम इसको पानी में डिप करेंगे इनको, अब हमें कुल्फी निकालनी है तो हम इसको इस तरह से पानी में डिप करेंगे थोड़ा देर, कम से कम एक मिनट मैं इसको पानी में रखूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पानी में डिप करके मैं ये जो कागज़ है इसको हटा दूंगी, जो फॉइल पेपर है वो मैंने हटा दिया है। और अब हम कुल्फी को एक मिनट ऐसे रखेंगे और उसके बाद हमारी कुल्फी इसमें से बिल्कुल निकल जाएगी। देखिए एक मिनट हो चुके हैं और कुल्फी हमारी बन के निकल चुकी है, देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। ये आप अच्छी तरह से देखिए, तो सभी कुल्फियों को हम चारों कपों को मैं इसी तरह से निकाल लूँगी। ये देखिए ऐसा मैंने इसको बना दिया है दोस्तों, इस तरह से चारों कुल्फी मेरी बन के बिल्कुल तैयार है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू।